दोस्तों नमस्कार। एंडलाइन आकलन 2022 कक्षा चौथी का अंतिम विषय था हिंदी, जिसका मॉडल आंसर आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो खंड अ से पहला उत्तर था राजिम, दूसरा में खून देना, तीसरा नीर, चौथा दीन। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न का उत्तर है पक्षी के लिए पिंजरे का जीवन दुखदायी होता है क्योंकि वे आकाश में स्वतंत्र उड़ नहीं पाते। पिंजरे में कैद रहकर अलग अलग प्रकार के व्यंजन पानी भी उन्हें स्वच्छ अच्छे से नहीं लगते। पक्षी भी सभी जीवों की तरह स्वच्छंद जीवन जीना चाहते हैं। छठवें प्रश्न का उत्तर है बच्चों द्वारा अपने अनुभव की मौलिक अभिव्यक्ति करने पर प्रत्येक वाक्य में एक अंक दे। वर्तमानी संबंधी त्रुटियों को शिथिल करते हुए मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति के आधार पर स्वविवेक अंक दे। फिर है सातवां प्रश्न इंसाफ कहानी में हसन के साथ अली ने अन्याय किया था। हसन इंसाफ मांगने राजा के पास गया और राजा ने दोनों की बातों को गहराई से सुनकर हसन के साथ इंसाफ किया, इसलिए इस कहानी का शीर्षक इंसाफ रखा गया है। उपरोक्त प्रसंग के अनुसार यदि बच्चा तर्कपूर्ण उत्तर लिखता है तो पूर्ण अंक दे देंगे। फिर अगला प्रश्न है जल के बिना होने वाली परेशानियों से संबंधित सार्थक एवं तर्कपूर्ण विचार रखने पर प्रत्येक वाक्य के लिए एक अंक दे देंगे। वर्तनी संबंधित त्रुटियों को शिथिल करते हुए स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता देंगे। फिर नवा प्रश्न है अली के काम को उचित या अनुचित ठहराने के लिए तर्क सहित व्याख्या करने पर पूरे अंक दे। अत्यधिक मात्रात्मक त्रुटियां करने एवं स्पष्ट तर्क नहीं दे पाने पर दो अंक दे। उत्तर नहीं लिख पाने पर शून्य अंक देना है। पसंद की कहानी लिखने पर पूरे अंक देंगे, मात्रात्मक त्रुटि पर दो अंक, उत्तर नहीं लिखने पर शून्य। इसी प्रकार नीचे में अथवा था पत्र की शैली में मौलिक अभिव्यक्ति करने पर पूर्णांक देना है। खंड ब में आते हैं ग्यारहवां प्रश्न का उत्तर है कल दाल शब्दों के समान उच्चारण वाले शब्द लिखने पर प्रत्येक शब्द के लिए एक अंक। कल, पल, चल, जल, दाल, माल, चाल, इसके अलावा बच्चे और कुछ अन्य शब्द लिख सकते हैं। बारहवां नंबर है इसका उत्तर है कुर्सियाँ, बच्चे। फिर तेरहवा नंबर में मिठाई वाला, गाड़ी वाला, दूध वाला। उसके बाद चौदह नंबर आता है जिसमें ये क्या क्या खाते हैं, गाय और शेर। तो गाय जो खाती है वह है शेर का है इधर। ये कहाँ रहते हैं, इनका रंग कैसा होता है, इनके दांत कैसे होते हैं, इनकी सींग होती है या नहीं, तो उस गाय और शेर के बारे में यहाँ पर लिखना था। यदि बच्चे दोनों पशुओं के बीच तुलना करते हुए उत्तर नहीं लिखते हैं तो शिक्षक स्वविवेक से अंक देंगे। खंड स, दिए गए अक्षरों से शब्द लिखने पर प्रत्येक शब्द के लिए एक अंक, जैसे हाथी, कल, मल, मर, हार, कमल, कलम आदि। 16 नंबर है यदि बच्चे आसपास दिखने वाले जानवरों के नाम लिखते हैं तो शिक्षक प्रत्येक शब्द पर एक अंक दे देंगे। और लास्ट प्रश्न है अंगूर, मोहन, रायपुर। तो इस प्रकार आपका जो मॉडल आंसर है कक्षा चौथी का वह पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।